अभी तक हमने कई वीडियोस में सिग्मा मेल की पर्सनालिटी को समझा, उनके बिहेवियर को देखा। इस वीडियो में हम सिग्मा मेल पर्सनालिटी के कुछ अगली साइड्स को देखेंगे। वैसे तो हमारी सोशल हायरार्की में बहुत सारी पर्सनालिटी टाइप है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, डेल्टा वगैरह, लेकिन सिग्मा मेल पर्सनालिटी टाइप एक ऐसी पर्सनालिटी टाइप है जिसको समझ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिग्मा मेल पर्सनालिटी के लोग बहुत ही मिस्टीरियस टाइप के होते हैं। ये सिग्मा मेल पर्सनालिटी के लोग कुछ इस प्रकार के होते हैं कि इन्हें खुद के घर वाले ही इनको ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तो बाहर के लोगों की तो आप बात छोड़ दो। खैर, आज हम सिग्मा मेल के कुछ अगली साइड्स देखेंगे जो बहुत ही वियर्ड और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक बंदा किसी टैलेंट शो में जजेस के सामने खड़ा है और बहुत ही वियर्ड हरकतें कर रहा है, बिना इस चीज की परवाह किए कि सामने बहुत बड़े बड़े जजेस बैठे हुए हैं और उसका ये परफॉर्मेंस टीवी पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है। उस बंदे को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सिग्मा मेल डजंट गिव अ डैम शिट अबाउट एनीथिंग। सिग्मा मेल को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोच रहा है। उन्हें इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, मेरे कपड़े कैसे हैं। उन्हें जो करने का, जो पहनने का, जो खाने का दिल करता है वो सिर्फ वही करते हैं। और हाँ, सिग्मा मेल कभी किसी के तलवे नहीं चाटते हैं। आपने देखा होगा रियलिटी शो के जो कंटेस्टेंट्स होते हैं वो अपने जजेस के कितने तलवे चाटते हैं, लेकिन ये बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन बैठा है। नमस्कार, हमारे साथ देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति है, नहीं नरेंद्र मोदी जी नहीं है हमारे साथ, हमारे साथ है मुकेश अंबानी जी। जब मैंने कहा कि सबसे पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, किस तरह से आप देखते हैं, आप मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। अरे ये क्या बात है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे मुकेश अंबानी ने इस जर्नलिस्ट के क्वेश्चन को काउंटर अटैक किया, सिग्मा मेल जनरली इसी तरह से बात करते हैं। सामने से जैसा सवाल आएगा वो उसका वैसा ही जवाब देंगे। अब यहाँ पर मुकेश अंबानी चाहते तो बहुत सीधा सा जवाब दे सकते थे कि ये तो आप सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से है या धीरू भाई अंबानी की वजह से है वगैरह वगैरह, लेकिन मुकेश अंबानी ने सिंपल जवाब देने की जगह बहुत ही क्रिएटिव आंसर दिया, और यही सिग्मा मेल की निशानी होती है। सिग्मा मेल्स एक तो बहुत कम बात करते हैं और करते हैं तो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से करते हैं। ये लोग स्पीकिंग में काउंटर अटैक करने में बहुत ही माहिर होते हैं, एकदम वुल्फ की तरह। बाकी किसी भी पर्सनालिटी में ऑन द पॉइंट जवाब देने की एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ जिससे आप सिग्मा मेल के काउंटर अटैक की एबिलिटी को अच्छे से समझ पाओगे। A lot of people work really, really hard for their dreams, but it's not meant for everybody. That's why you use auto-tune. तो देखा आपने सिग्मा मेल ऑन द पॉइंट जवाब देने में कितने माहिर होते हैं। मैम, आई डोंट नो के डबल सॉरी लगी है, आई डोंट आई नो आई नीड न्यूज बट आई डोंट नो, आई सी दिस न्यूज बट आई डोंट, यस आती है बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कल न्यूज नहीं दी। इस बंदे को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, फिर भी ये इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है जैसे ये शशि थरूर है। कई पर्सनालिटी टाइप तो ऐसी होती है, अगर उनके आगे आप माइक रख दोगे तो उनको एंजाइटी अटैक आने लग जाएंगे। बट सिग्मा मेल इंट्रोवर्ट जरूर होते हैं, लेकिन उनको पब्लिकली परफॉर्म करने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होती है। और सिग्मा मेल्स ऐसा मानते हैं कि अंडर कॉन्फिडेंट रहने से तो 100 गुना अच्छा है ओवर कॉन्फिडेंट रहना। Снова шкать по тем, сумма ну липа, гибать на сцене, снова один.
सिग्मा मेल का बिहेवियर ऐसा ही होता है। एक्चुअली दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। वो मुंह में राम और बगल में छुरी वाला काम नहीं करते हैं। वो जो है वही बताते हैं। किसी को देखकर अपने आप को बदलने की कोशिश तो वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सिग्मा मेल का बिहेवियर बहुत ही वियर्ड और डिफरेंट होता है, क्योंकि उन लोगों को घंटा किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है। दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। इसी कारण से बहुत लोगों को उनका ये एटीट्यूड पसंद भी नहीं आता है, लेकिन सिग्मा मेल को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।